गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके क्या क्या आंसर होने चाहिए थे और आपने क्या लिखा ये अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और मिलाने का कोशिश कीजिएगा कि आपने क्या सही लिखा क्या गलत। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है फ्लिंट लाइज इन द मड, इसके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट को समझ के हमको क्वेश्चन का आंसर करना था। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ फ्लिंट, फ्लिंट क्या है। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि फ्लिंट क्या है। फ्लिंट एक टाइप का रॉक है जो कलर में ग्रे होता है। तो क्या आंसर, अ फ्लिंट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रे रॉक लाइज इन अ मड। ठीक है, जो फ्लिंट है वो एक तरह का ग्रे रॉक है जो कि कहाँ पाया जाता है, मड में पाया जाता है, कीचड़ में पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच अदर स्टोन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोएट बिफोर द फ्लिंट इन द पोयम। बोले कौन कौन से स्टोन के बारे में बात की गई फ्लिंट से पहले, ठीक है, पोयम में। तो इसका आंसर क्या है, द पोएट इंट्रोड्यूस एन एमराल्ड ए रूबी ए सफायर बिफोर द फ्लिंट। फ्लिंट के पहले किस किस चीज़ की बात हुई, एमराल्ड की, रूबी की और सफायर की। थर्ड क्वेश्चन, नेम द कलर्स यूज्ड बाय द पोएट डिस्क्राइब द प्रीसियस स्टोन। जो अभी बताया एमराल्ड हो गया या फिर रूबी हो गई, सफायर हो गया, इन सबको किस कलर से डिस्क्राइब किया गया है। द पोएट यूज ग्रीन कलर फॉर एमराल्ड, रेड फॉर रूबी एंड ब्लू फॉर सफायर। एमराल्ड के लिए ग्रीन कलर का यूज़ हुआ था, रेड रूबी के लिए यूज़ हुआ और जो ब्लू कलर है वो सफायर के लिए यूज़ हुआ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्लावर नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो हमारे अल्फ़ाबेट है जैसे ए टू जेड, तो पहले क्या आया ए, उसके बाद बी सी डी, इसी तरह से जेड तक चलता है सीरीज़। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई वर्ड ए लेटर से स्टार्टिंग है तो उसको पहले लिखते हैं, अब बी लेटर से है तो बाद में, मतलब जो पहले आया लेटर उस लेटर से बने हुए वर्ड को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में है तो, और जो बाद में आया उसको बाद में। तो यहाँ पे लोटस, टुलिप, रोज़, सनफ्लावर, यहाँ पे पी ए एन एस वाई पैंसी है, पी ए एन एस वाई, ठीक है, पैंसी और डलिया। तो ये टोटल 6 फ्लावर्स के नाम है जिसको हमको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखो, सबसे पहले इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एल, इसका टी, इसका आर, इसका एस, इसका पी और इसका डी। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, एल पहले आता है या टी पहले आता है, आर है, एस है, पी है और डी है। तो सबसे पहले क्या आता है, डी। तो इसलिए फर्स्ट नंबर में हम क्या लिखेंगे, डहलिया। ठीक है, अब डी के बाद सब क्या आएगा, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आ गया तो सेकंड नंबर में एल, लोटस लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमको इसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट में डहलिया, फिर लोटस, फिर पेंसी, फिर रोज़, सनफ्लावर, देन लास्ट में टुलिप। इस तरह से आपको ये अरेंज करना था। थर्ड है, टिक दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस। अब हमको उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो कि सेंटेंस थे। अब देखो, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है, जिससे कोई पूरा पूरा मतलब समझ में आए। शी काइंड, शी काइंड से क्या समझ में आ रहा है, शी काइंड से पूरा पूरा सेंस नहीं निकलता है। काइंड का मतलब होता है दयालु और शी का मतलब किसी गर्ल के लिए यूज हुआ है वह, तो वह दयालु मतलब क्या, कुछ नहीं, वह दयालु है, वह दयालु थी, वह, ये पूरा पूरा सेंटेंस
नहीं है, ठीक है। उसके बाद है दे लिव्ड हियर लास्ट ईयर, ठीक है, वे यहाँ लास्ट ईयर रहते थे, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा सेंटेंस। द ओपन विंडो, खुला हुआ खिड़की, तो ये भी क्या है कुछ मतलब नहीं बता रहे, खुला हुआ खिड़की से क्या मतलब है कि पूरा सेंस नहीं दे रहा है, खुला हुआ खिड़की से क्या बात करना चाहते हैं इसे पता नहीं चल रहा है, कुछ मीनिंग अधूरा रह जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है सेंटेंस नहीं था, फर्स्ट वाला भी सेंटेंस नहीं था बट ये था सेंटेंस सेकंड वाला। और यहाँ है और स्वीट मैंगो, ठीक है, स्वीट मैंगो एक मीठा आम, तो ये भी पूरा सेंस नहीं दे रहा है कि मीठा आम से क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। द विंडो इज़ ओपन, खिड़की खुली हुई है, तो ये सेंस दे रहा है एक पूरा पूरा कि विंडो खिड़की जो है वो खुली हुई है। एंड द लास्ट माई अंकल इज़ एन आर्टिस्ट, ये भी पूरा पूरा सेंस दे रहा है कि मेरे अंकल क्या है एक आर्टिस्ट है। तो यहाँ पे तीन जो है सेंटेंस वो क्या थे हमारे सेंटेंस थे, दे लिव्ड हेयर लास्ट ईयर, द विंडो इज़ ओपन, माई अंकल इज़ एन आर्टिस्ट। अब उसके बाद हमारा फाइनली आ गया क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाई इज़ रूबी कंपेयर्ड टू ब्लड, ब्लड और रूबी को क्यों कंपेयर किया गया। अब कंपेयर क्यों किया जाता है, क्योंकि दोनों में जो सेम चीज़ है, ठीक है, उसकी तुलना की जाती है। तो रूबी और ब्लड में क्या सेम है कि दोनों का जो कलर है वो क्या है रेड, तो रूबी इज़ कंपेयर टू ब्लड बिकॉज बोथ हैव सेम कलर, ठीक है, बोथ हैव सेम कलर, दोनों का जो कलर है वो क्या है सेम है। सेकंड बोल रहे हैं इन द पोयम व्हाट इज एज ग्रीन एज ग्रास, बोल रहे हैं इस पोयम में किसको ग्रास के जैसा ग्रीन बताया गया है, तो ग्रीन अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीन क्या था एमराल्ड, तो वही होगा। इन दिस पोयम एन एमराल्ड इज एज ग्रीन एज ग्रास, जो एमराल्ड है वो ग्रीन है किसकी तरह ग्रास की तरह। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पीटर हाइड इन द टूल शेड, पीटर टूल शेड में कहाँ छुपा हुआ था, तो पीटर जो टूल शेड में सैक्स के पीछे छुपा हुआ था, ठीक है, पीटर हाइड, पीटर हाइड बिहाइंड द सैक्स इन द टूल शेड, पीटर जो है वो टूल शेड के पीछे छुपा हुआ था। तो अच्छे से आप इसको देख लो, अच्छे से मिला लो और ये एनालाइज कर लो कि आप क्या सही लिखे हो क्या गलत लिखे हो, ठीक है।